गवर्नर साहब का रूलिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं चलता है, उनको भी ये बात जान लेनी चाहिए। वो किसी ना पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट कर सकते हैं, उनकी चौहद्दी बनी हुई है और राजनीतिक दल का भी चौहद्दी है, किसी को भी अपना चौहद्दी पार नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाएं, और जो जानकारियां उनको चाहिए वो दर्ज कर ले। हम लोग सुनते थे ना, क्या एक कहावत भी है, गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा। बाबूलाल जी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो उनको बोलिए कि एक लिखित आवेदन दे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्द उनका अपॉइंटमेंट करवा देने का। पिछले 20 तारीख को आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रवर्तन निदेशालय के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक ईडी की टीम माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंची थी। पहुंचने का कारण उन्होंने कहा था कि जो ECIR 25/22 का है उस संबंध में उनको कुछ जानकारी चाहिए और उनका बयान दर्ज करना था। लोग आए भी, 7 घंटा रहे, 17-18 सवाल किए गए जो ज़्यादातर उनके हलफनामे में जो कहा गया था चुनाव आयोग को उसी के तरफ उनका ध्यान था। वो तथाकथित जो विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे लेकिन उस पर कुछ बात उनकी थी नहीं कि ये शेड्यूल प्रोसीजर ऑफ क्राइम में आता, क्योंकि उनका जो संबंध था वो PMLA की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था जो उस दायरे में आता ही नहीं था। तब उन लोगों ने एक बड़गाई की जमीन की चर्चा की तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले जब इस बारे में चीजें आ रही थी तो जब पता किया गया कि वो जमीन किसकी है तो ये ज्ञात हुआ कि वो जमीन जो है वो भुइयारी जमीन जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती, लेकिन वहां पर लगभग 50-60 साल से जो पहान लोग हैं वहां के उनके कब्जे में। तो उसके विषय में तो कोई उनके पास भी कोई ठोस जानकारी थी नहीं। अभी पिछले दिनों में जो फिर से एक समन हुआ कि भाई आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज हैं उस पर आपका हमको स्टेटमेंट लेना है, तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाएं, और जो जानकारियां उनको चाहिए
वो दर्ज कर ले। चुनाव आयोग में जो ब्यौरा दर्ज है वो तो सार्वजनिक है, जो आयकर के पास भी है, तो वो तो ईडी हमको लगता है कि उसको आधार नहीं बनाती। उन्होंने पूछा था जो ज्ञात हुआ कि सौराय भवन में जो ट्रांजैक्शन हुए 2018 से 22 के बीच, तो उस संबंध में भी सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण व्यवसाय माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का। ये मतलब जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं है तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही है, क्योंकि हम लोग सबको जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का सर्वदा इस बात को कहते हैं, हमसे जो भी राजनीतिक मतभेद है उसमें लोगों के बीच जाइए, लोगों के बीच तो आप जा नहीं सकते, इसलिए आप अपनी एजेंसी को आगे कर रहे आधारहीन बातों पर। जिस केस का जिक्र हो रहा है वो सरकारी रिकॉर्ड में भुइयारी दर्ज है, तो जो हो ही नहीं सकता उस पर केस का तफ्तीश हो रहा है, बयान दर्ज की बात हो रही है। फिर भी हम लोग कहते हैं आपको आना है आइए, लेकिन प्रोपोगंडा बंद कीजिए। ये मीडिया में एक बहुत अजीब शब्द घूम रहा है, सूत्र बता रहे, सोर्सेस सेड, हु इज सोर्स, आपकी कार्रवाई इस शासन को डराने वाली कार्रवाई लगती है, जो कि संभव नहीं, क्योंकि यह शासन चुना हुआ शासन है। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि 31 तारीख को 1 बजे के बाद आप लोग अपना अपना अनुमान लगाइएगा, कृपया राज के माहौल को, क्योंकि आप जिम्मेवार लोग हैं, आप यदि माहौल को खराब करेंगे आधारहीन खबरों का प्रसारण होगा तो कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ होती है। धन्यवाद। सूत्र के हवाले से तो आप पार्टी उनको भी कन्वे नहीं कर पा रही है कि सीएम दिल्ली में है, आराम से हैं, वो आएंगे 31? नहीं नहीं, वो हम लोगों का रूटीन कार्यक्रम है जो 1 तारीख तक चलेगा। धन्यवाद। सीएम से आपकी बात हो चुकी है? बात हुई तो क्या उन्होंने कहा कि आज आएंगे या कल आएंगे, ऐसे कुछ बात हुई क्या? आ जाएंगे, अपना काम निपट जाएगा, वो आ जाएंगे।
तो क्या वो लीगल सजेशंस फिर लेने गए हैं? अब क्या शर्ट पैंट खरीदने गए हैं कि क्या खरीद, क्या ही है उलझल सवाल है? तो गवर्नर का एक सवाल ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मैटर से जेएमएम को अलग रखना चाहिए आप अपने आप। अब गवर्नर साहब का रूलिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं चलता है, उनको भी ये बात जान लेनी चाहिए। वो किसी ना पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट कर सकते हैं, उनकी चौहद्दी बनी हुई है और राजनीतिक दल का भी चौहद्दी है, किसी को भी अपना चौहद्दी पार नहीं करना चाहिए। अच्छा दादा, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक आम आदमी जो मैं इस खबर से ताल्लुक रख रहा है, उसको मोटा मोटी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई क्या चल क्या रहा है? सरकार चल रही है दादा, सीएम रांची कब लौट रहे हैं? वो बताएंगे नहीं, लेकिन मतलब अभी तक सूचना नहीं है, लेकिन आएंगे तो जरूर। सीएम की सूचना आप लोग के पास है ना, माने उनसे संपर्क में है ना आप लोग? अरे माँ मुश्किल है बाप। देखिए वो हमारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता भी है और प्रवक्ता भी, साथ साथ एक इंसान भी, उद्वेग में। और ये बयान बहुत पहले का है आपका, मतलब आज ही के दिन का, बहुत अर्ली स्टेज का है। हाँ, जब कहीं कुछ मतलब पूरा कुहासा था, तो इसलिए उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए। 31 तारीख को हम लोगों को 1 बजे का इंतजार करना चाहिए। दादा ये बातें जैसे चल रही है, जो आई, मतलब मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि झारखंड भवन के तमाम कर्मचारियों के मोबाइल ले लिए गए, वहाँ जो शांति निकेतन है वहाँ भी ये जो आप ही लोग के इसमें से देख रहे थे कि शांति निकेतन का एक फोटो दिखाया जा रहा था और उसके बाहर में 3-4 सिपाही लोग दिख रहे थे, उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं। झारखंड भवन के बातें नहीं है? झारखंड भवन जब जाएंगे तब बताएंगे। दादा, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे? और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया, जब आप ही ने कहा था कि आप 29 से 31 के बीच में, तो हम तो तैयार हैं 31 को। आपने पूछा था कि स्थान बताइएगा, समय बताइएगा, पिछले बार भी आपने पूछा था, इस बार भी आपको बताया गया कि स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। तो ये तरह तरह के भ्रम आखिर कौन उत्पन्न करवा रहा है? लगातार 2-3 दिनों से राज्य की राजनीतिक परिस्थिति को जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। कुछ ऊंच नीच हो तो उसमें थोड़ा फेरबदल होता है, लेकिन लगभग तय रहता। आप लोग जानते हैं कि 2 फरवरी को हमारा और 4 फरवरी को हमारा दल का राजनीतिक कार्यक्रम है दुमका में और धनबाद में। विगत कैबिनेट की बैठक ने यह भी तय किया कि फिनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हम 9 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र आहूत करेंगे, जो 29 फरवरी तक चलेगा। इस बीच में इस तरह की, क्योंकि ये सीधा सीधी
एक तो गैर वाजिब है, और दूसरा असंवैधानिक भी है, क्योंकि इससे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनके अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में दिक्कतें होती हैं। और एक हवा क्रिएट किया जा रहा है, खासकर आज सुबह से सीएम दिल्ली गए थे, दिल्ली में आप लोग टच में हैं सीएम के? कौन? मैं संजय रंजन बोल रहा हूँ फॉलोअप से। तो भाई टच में नहीं होते तो हम आपको बातें बता कहाँ से रहे? दादा, तो आज जैसे जो कार्रवाई की बातें आई है कि उनके दिल्ली आवास में ईडी के लोग गए थे, इस तरह की सूचना आप लोग पास भी है क्या? नहीं, सूचना है वो अपना जो जानकारी उनको चाहिए थी उसके लिए गए होंगे। उनकी मुलाकात हो गई सीएम से वहाँ हुई? सीएम वहाँ नहीं, दिल्ली में। नहीं, दिल्ली आवास की हम लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली आवास में ईडी की टीम गई थी। दादा, क्या बिहार के तरह यहाँ भी पुलिस का क्राइसिस बन रहा है क्या? एक सवाल पूरा होने दीजिए ना प्लीज। एक तो क्या यार, एक ट्रेसलेस वाली जो बातें चल रही थी, खबर चल रही कि सीएम ट्रेसलेस है, पता नहीं चल रहा है क्या मतलब? वो हम लोग सुनते थे ना, क्या एक ठो कहावत भी है, गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा। बाबूलाल जी ने इस पे जब ट्वीट किया दादा, वो राज्यपाल से नहीं देते यार, विजय बोला जरूरी है। बाबूलाल जी ने भी ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि सीएम प्रेसलेस। बाबूलाल जी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो उनको बोलिए कि एक लिखित आवेदन दे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्द उनका अपॉइंटमेंट करवा देने का। दादा, क्या आपके एक प्रवक्ता है मनोज पांडे?